तो दोस्तों आज हम एक साइट पे आए हैं, एयरटेल का साइट है और इस पे पावर प्लांट में फॉल्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे देखिए दो पावर प्लांट लगा हुआ है, ये डेल्टा का वोडाफोन का पावर प्लांट है और हमारा जो काम हो रहा है इस पावर प्लांट में, तो ये डेल्टा का, इस पे लोकल कंट्रोलर लगा हुआ है यूएसई का, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका बैक पैनल का आउटपुट कार्ड है, तो इसमें जो नेटवर्क केबल BTS से आता है वो लगा हुआ है दो, एक मेन फेल के लिए और एक लोड इसी के लिए। तो प्रॉब्लम आ रहा है कि वहाँ पे फॉल्स अलार्म जा रहा है, मतलब मेन फेल होल्ड होके रह गया है और लोड इसी भी। तो मैंने जब इस दोनों को इस बैक पैनल से निकाल के इसका वोल्टेज चेक किया, दोनों पे ही वोल्टेज नहीं आ रहे थे। और तो BTS से ये फॉल्ट है, BTS से शॉर्ट हो गया है, तो इस वजह से वो होल्ड हो गया है मेन स्पेल पे। और बाकी इस कंट्रोलर में फॉल्ट नहीं है, क्योंकि अभी देखिए मेन स्पेल नहीं है। अभी मैं मेन को ऑफ करता हूँ तो अभी देखिए मेन स्पेल आ गया। और यहाँ पे मैंने कॉन्टिन्यूटी भी चेक किया है, यहाँ पे ये दोनों जो पॉइंट ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया है, यहाँ पे हमारा शॉर्ट भी हो रहा है। तो इसका मतलब कंट्रोलर हमारा सही है, यहाँ पे BTS से फॉल्ट है। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। और इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी से वीडियो छोड़ दूँगा। डेल्टा का रेक्टिफायर है ये दोनों, 4000 वाट 48 वोल्ट, यहाँ पे 3 पोल MCB SPD रेक्टिफायर MCB, यहाँ पे DC साइड का नॉन क्रिटिकल लोड और क्रिटिकल लोड, ये क्रिटिकल लोड है, ये नॉन क्रिटिकल लोड है, ये LVD है, यहाँ पे BLVD लगा हुआ है, HRC फ्यूज लगा हुआ है और DC बस बार है। और यहाँ पे ये 48 वोल्ट का बैटरी पैक है 600 AH का। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी कुछ जानना चाहते हैं डिटेल में तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।